नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन चावला है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल में यहाँ पे काम करता हूँ। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। आपको तो पता ही होगा डायबिटीज़ कितनी कॉमन है हमारे देश में, और 2030 तक हमारा कंट्री इंडिया डायबिटिक कैपिटल बनने वाला है। वर्ल्ड डायबिटिक कैपिटल इंडिया हो जाएगा 2030 तक। डायबिटीज होता क्या है? डायबिटीज दो तरीके का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जन्म होने के बाद बच्चों में होता है, और टाइप 2 होता है वो अडल्ट एज से स्टार्ट होता है। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है। जो हमारे पित्त है, जो हमारा पैंक्रियाज है, जो इंसुलिन बनाता है, उसका रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके कुछ कारण होते हैं कॉमन। एक तो ओबेसिटी, मोटापा आना, फैट जमा हो जाना हमारे लीवर के अंदर, हमारे मसल्स के अंदर, इसके मेन कारण है। और क्या होता है डायबिटीज में, इसके लक्षण कैसे क्या होते हैं, इसके बारे में हम कैसे जाने कि हमें डायबिटीज हुआ है? एक तो अगर आपका वेट लॉस होने लगे या वेट गेन होने लगे काफी ज्यादा, या फिर आपको लूज मोशंस लग जाएं, आपके हाथ पैर दर्द करने लगें, हाथ और आपके हाथ और पैरों में, तलवों में और पैर के पंजों में झंझनाहट सी होने लगे, या फिर यूरिन कम आने लगे, इस सब को अगर होते हैं आपको सिम्टम, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और अपना डायबिटीज के टेस्ट करवाने चाहिए। अब डायबिटीज डायग्नोज कैसे करते हैं? डायबिटीज के लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। अगर उन टेस्ट की वैल्यूज कॉमन नहीं आती है, अनकॉमन आती है, बढ़े हुए आते हैं, तब हम पेशेंट को डायबिटीज एज ए डायबिटिक लेबल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो 3 महीने का जो एवरेज शुगर का जो टेस्ट होता है उसको हम HbA1c बोलते हैं। अगर HbA1c 6.5% से ज़्यादा होगा तो हम पेशेंट को डायबिटिक लेवल करते हैं। और या फिर खाली पेट आपका ब्लड शुगर 126 से ज़्यादा हो, या फिर 2 घंटा खाना खाने के बाद 180 से ज़्यादा हो, या फिर रैंडम कभी भी 200 से ज़्यादा हो, तो हम डायबिटिक लेवल करते हैं। अब डायबिटीज मान लो हो गई किसी को, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? सबसे पहले तो देखो, डाइटरी मॉडिफिकेशन और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। अगर हम अपना डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लेंगे, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, तो फिर हमारे डायबिटीज को अच्छा कंट्रोल में होगी। अब डाइट में क्या क्या लेना है? डाइट में देखिए, एक तो सबसे पहले आपको अपना कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है। कार्बोहाइड्रेट्स अब किन किन में होता है? हम जो चपाती खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हम जो चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और हम जो पोटैटो लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने जो आटा है, जो आपका फ्लोर है, उसको मल्टीग्रेन में चेंज करना है, और जो राइस है उसको कभी भी आपको पुलाव या बिरयानी बनाकर नहीं खाना है। उसको आप एज ए स्टीम्ड राइस ले सकते हैं, या फिर आप ब्राउन राइस ले सकते हैं। पोटैटो का कंजप्शन आप कम से कम करेंगे, आप ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाएंगे, आप प्रोटीन इनटेक अपना थोड़ा ज़्यादा करेंगे। प्रोटीन इनटेक जितना भी हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनमें होता है, साथ में हमारे जितने भी दालें होती हैं, जितने भी लेंटिल्स और दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, उनमें होता है। काला चना, सफ़ेद चना, कच्चा पनीर, आपका सोयाबीन, मशरूम, एग वाइट, चिकन एंड फिश, इन सब में प्रोटीन बहुत अच्छे से होता है, तो इनका सेवन आपको ज़्यादा करना है। आपको सैलड भी ज़्यादा लेना है, आपको स्मॉल फ्रिक्वेंट डाइट लेना है। उसके लिए आपको एक तो लंच और डिनर, इन दोनों से पहले 1 घंटा पहले आप सैलड पूरा प्लेट भर के खाएंगे और पानी अच्छे से पिएंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो एपेटाइट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो आप लंच और डिनर लेंगे उसका कंजप्शन कम हो जाएगा, और आपका ब्लड शुगर अच्छा रहेगा और वेट लॉस भी होगा। साथ में एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। आपको 45 मिनट ब्रिस्क वॉक
वंस ए डे करना बहुत जरूरी है। साथ में आप योगा कर सकते हैं और नॉर्मल रूटीन अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, सो दैट कि आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल में रहे। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका? इसका ट्रीटमेंट या तो टैबलेट होती है या फिर आपका जो HbA1c है वो मोर देन 9.5% है तो हमें इंसुलिन देना होता है। वो सब डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है, डॉक्टर्स की समझ के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या ट्रीटमेंट लेते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलें, डायबिटोलॉजिस्ट से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें और उनका सलाह लें। और इसके लिए जो है आपको रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी होता है। एटलीस्ट टू टू थ्री मंथ्स आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, आपके रूटीन टेस्ट टाइम पे होने चाहिए और आपका अपने मेडिसिन के लिए कॉम्प्लायंस अच्छा होना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी जो लाइफ है वो बेटर रहेगी। आप हमारे हॉस्पिटल में आके हमसे परामर्श कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।